हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दोस्तों, 30-40 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग दोस्तों देश के दुनिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। द हिंदू के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, जितने भी अपने इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर है सभी को हम कवर करते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे सवाल है जो कि आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, चाहे फिर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो या फिर आपको रेलवे का एग्जाम दे रहे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसी तरीके से रेगुलर अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहेंगे और साथ में मैं वो न्यूज भी डिस्कस करता हूँ जो कि आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी सोच समझ उसको एक बेहतर जो है डे बाय डे लेते हुए जाते रहेगी, ताकि आपको लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और अगर दोस्तों कोई इश्यू भी होता है तो आप उसको इजिली रिजॉल्व कर सके। चलिए गाइस, तो शुरुआत करते हैं कल के सबसे पहले 5 सवाल जो कि मैंने आपको दिए थे उनके आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपको अलेक्जेंडर के बारे में बोला था कि 6ठी बार कॉन्सिक्यूटिवली वो प्रेसिडेंट बने कहां के, बेलारूस के, तो डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट मैंने पूछा था दोस्तों कि जो इको टूरिज्म जोन है अडियो अटॉल, ये भारत कौन से देश के साथ में मिलकर डेवलप कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपके मालदीव्स। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो एन बीरेन सिंह, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि है, हाल ही में मनी टॉम्बी सिंह का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे, तो फुटबॉल दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड है जो कि लॉन्च किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट है किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है, वह निर्मला सीतारमन। ओके, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको मालूम है दोस्तों कि अगर आपको अनअकैडमी पे जो है यूपीएससी या फिर एसएससी किसी का भी बैंक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप भुनेश 10 है जो कि यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसकी क्लासेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके चलिए, आप देख सकते हैं मेरा भी एक दोस्तों एसएससी के अंदर बैच चल रहा है जिसके अंदर फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट दोस्तों जीके है जो कि आपको करवा रहा हूँ। ओके, इसके अलावा अगर आपने दोस्तों स्पेशल क्लासेस नहीं करी है तो स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए गिफ्ट है, जिसके अंदर अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 10 बजे आपके लिए क्लास होती है दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी है जो कि आपको करा रहा हूँ। ओके गाइज, इसके अंदर मैं डेली क्लास 6 से मैंने स्टार्ट करी है तो मजा आ जाएगा आपको बेसिक्स पढ़ के दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप एसएससी या कोई दूसरे एग्जाम दे रहे हैं तो स्पेशल क्लास उसके लिए 11 बजे है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो स्पेशल क्लास है जो कि मैंने रिसेंटली अनाउंस किया था, तो यार पूरा फायदा उठा लो क्योंकि गाइज ये बार बार वीडियोज नहीं मिलेंगे जब मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो भाई सबसे अच्छी बात है कि आप उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे एक लेक्चर से मजा आ जाएगा आपको, देखिए मेरी गारंटी है आपको ऐसे लेक्चर कभी भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने कमेंट के अंदर लिंक भी दे दिया है, अनअकैडमी ऐप में जाके भुनेश शर्मा सर्च करोगे तो फॉलो कर लेना, वहीं पे क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ओके, और साथ में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भुनेश 10 यूज करके। उससे आपको एक दोस्तों पर्सनल कोच और एक मेंटर है जो कि आपको मिलेगा और ये आपको पूरी प्रिपरेशन के अंदर गाइड करेगा कि कैसे आपको मेंस की राइटिंग करनी है, कैसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है, कौन से बुक्स है जो कि आपको पढ़नी है, पूरा कंप्लीट गाइडेंस है जो कि आपको पर्सनली फोन के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर आपको अवेलेबल करेगा। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, नियर बाय 56,000 के आसपास होगा। ओके, 56,000 होगा ईयर का। ठीक है, इस भुनेश 10 यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के बात करते हैं कोट ऑफ द डे को लेकर जो कि अनीश के द्वारा भेजा गया। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इफ यू कांट स्पीक इंग्लिश डजंट मैटर, यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो गाइज, एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो कि मैं आजकल एक अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ही देखता हूँ कि लोगों ने इंग्लिश को जो है ना वो एक स्टैंडर्ड का पैरामीटर है जो कि बना लिया। जबकि मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ गाइज, क्या इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को किसी को समझाने के लिए। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या फिर वो सक्सेसफुल नहीं है।
बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, समझ गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट या सक्सेसफुल नहीं होते। यस दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है एक प्रॉब्लम है, तो चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम पता लग गई ना, अब आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास से इंग्लिश की बुक्स उठाइए, 10th तक की इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, आपकी इंग्लिश जो है ग्रामर जो है अच्छी हो जाएगी। अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको रिजोल्व करना चाहते हैं तो करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये कोई पैरामीटर नहीं है दुनिया में जीने का या आगे बढ़ने का। आपकी सोच, आपके विचार, आपका बिहेवियर है दोस्तों जिससे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आपके सिर्फ इस लैंग्वेज जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती, जैसे हमारे एग्जाम के मार्क्स जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि द हिंदू के फ्रंट पेज में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो कमला हैरिस वाला दोस्तों जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है ये बनने की दौड़ के अंदर है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सब उसके अलावा दोस्तों एक मेगा लैब्स है जो कि बनाई जा रही है इंडिया के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तीन नई पार्लियामेंट है, तीन नई पार्लियामेंट आपको मालूम है ना बन रही है दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे तीन नई फर्म है जिनको यहाँ पे सीक्रेसी एफिडेविट साइन करने के लिए बोला है। सीक्रेसी एफिडेविट कुछ नहीं है कि जो भी प्लानिंग होगी, जो भी डिजाइनिंग होगी ना नई पार्लियामेंट की, वो आप रिवील नहीं करोगे पहले, समझ रहे हो, जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, तो वो यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है बेंगलुरु के अंदर कल 144 लग गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, चार लोग ज्यादा जमा नहीं हो सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी वायलेंस है जो की देखने को मिली है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको मालूम है कांग्रेस के एमएलए थे, उनके नेफ्यू ने कोई है ना डेरोगेटरी कमेंट है जो की प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट लिख दिया सोशल मीडिया पे, जैसे ये लिखा उसके 30 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों उसके घर के बाहर जो है वो नियर बाय 100 200 500 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, काफी तोड़ा ताड़ी होती है, काफी वायलेंस होती है, गाड़ी चला दी जाती है, घर के ऊपर पत्थरबाजी होती है। ओके, और उसके बाद में काफी यहाँ पे नियर बाय 50 पुलिस वाले भी इंजर हो गए हैं, 100 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है, काफी वायलेंस है जो की देखने को मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो यहाँ पे बताया पुलिस के द्वारा कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस है जो कि क्रिएट करी गई है, तो यहाँ पे क्योंकि आधे घंटे के अंदर इतनी लार्ज भीड़ जमा होना पॉसिबल नहीं है। जब उससे पूछा गया जिस बंद जो कांग्रेस एमएलए का नेफ्यू है, तो उसने बोला कि मेरा अकाउंट जो है वो फेसबुक का हैक हो गया था, तो किसी और ने ये किया है, तो हालांकि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन बहुत गलत है यार। मतलब आज की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम लोग अभी भी इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं कि कोई कमेंट कर रहा है, कोई कमेंट क्यों जो है वो दिल से लगा रहा है, फिर कमेंट को उसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही पथेटिक चीजें है, मतलब और पूरा पॉलिटिकल रोल है जो कि इसको दिया गया है। मतलब बहुत अच्छी बात ये रही कि कल जो है एक हनुमान टेम्पल था उसके बाहर के जो है उसको पूरी तरीके से गार्ड कर लिया गया मुस्लिम यूथ के द्वारा, ताकि अगर क्या होता कि अगर उस टेम्पल के ऊपर कोई अटैक कर देता पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होके, है ना, दंगे फैलाने के लिए, तो बहुत बड़े दंगे फैल जाते हैं। तो ये एक अच्छा काम किया गया कि वहां के जो लोकल यूथ थे उन्होंने उस टेम्पल को प्रोटेक्ट किया, सो दैट ये जो हुआ है ना राइट्स, ये पॉलिटिक, ये कम्युनियल राइट्स ना हो, मतलब, तो ये कम से कम एक अच्छा हुआ कि ज्यादा कम्युनियल राइट्स ये जो है वो नहीं बने, क्योंकि पुलिस ने तो ये बोला इन्वेस्टिगेशन करके कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा ये पूरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट पेज, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं कमला हैरिस को लेकर, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है कमला हैरिस को लेकर। ठीक है गाइस, तो कमला हैरिस ने दोस्तों देखो आपको मालूम है कि यहाँ पे दो पार्टी है, एक तो रिपब्लिकन पार्टी है और एक यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, दो बड़ी पार्टी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है ना, वैसे यूएस में आपको मालूम है बराक जो अपने ओबामा थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, और ये जो रिपब्लिकन जो अभी है वो ट्रम्प भाई साहब अपने रिपब्लिकन से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मालूम है, जो डेमोक्रेटिक है इनकी तरफ से जॉय बिडेन है जो कि प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, और इनके अंदर जो वीपी बन रही है ना, वीपी के लिए पोजीशन जो है वो कमला हैरिस का नाम है जो कि सजेस्ट किया गया है। अब कमला हैरिस का नाम दोस्तों इतना फेमस क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन और फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन है जो कि वीपी के पोजीशन के लिए मेजर पार्टी का टिकट है जो कि इनको मिला है। ओके गाइज, इनका तो बॉन्ड देखो सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुआ है, इनके जो फादर थे वो जमैकन अमेरिकन थे और इनकी जो मदर थी ना वो तमिल अमेरिकन थी, वो इंडियन अमेरिकन थी, ठीक है, तो वो अपने इंडिया चेन्नई से बिलोंग करती थी, उनका नाम था श्यामला गोपालन। ओके, तो इसलिए इनको जमैकन और इंडियन ओरिजिन बोला जा रहा है, और फर्स्ट एशियन वुमेन है जो कि इतनी बड़ी टिकट से वीपी के लिए खड़ी हो रही है। ओके गाइज, और ठीक है, इसके अलावा क्रिटिसाइज भी इनको किया गया है इनकी जो स्ट्रेटेजीज को लेकर, कि इन्होंने बोला था कि भाई जो डेथ होती है ना
ना, जो डेट दी जाती है उसको जो है बंद करने को लेकर, प्राइवेट जेल्स को लेकर, और प्रपोज किया गया है इन्होंने एक मेडिकेयर फॉर ऑल प्लान दैट ऑल्सो अलाउड रोल ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। तो प्राइवेट इंश्योरेंस को भी जो है जैसे कि मेडिकेयर के अंदर अलाउ करने के लिए बोला गया है। ठीक है गाइज, और प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही थी पहले, लेकिन इनके फंड जो है वो कम पड़ गए, उसकी वजह से इनको ये हाथ पीछे हटाना पड़ा, और अब ये वीपी के लिए दोस्तों दौड़ के अंदर शामिल है, और ये यूएस सीनेटर भी अभी कैलिफोर्निया से है। ओके गाइज, तो यहाँ पे सबसे आगे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो जॉय बिडेन है, उन्होंने इनका नाम है जो कि आगे रखा है। ओके, 55 साल इनकी उम्र है दोस्तों। अगर ये बनती है तो डेफिनेटली एशियन कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए, और काफी मुझे लगता है कि बेटर पॉलिसीज है जो कि ये बना सकती है इन फ्यूचर के अंदर। ओके चलिए गाइज, इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2010 के अंदर कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी बनी थी है, और पहली ब्लैक वुमेन बनी थी जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। यूएस सीनेटर 2016 के अंदर बनी थी है। ओके, तो काफी क्लोजली जो है इन्होंने काम किया है जॉय बिडेन के साथ में, तो इसीलिए वीपी की पोजिशन पे इनको काफी उम्मीदवार है जो कि बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी शायद ये लगता होगा कि अगली बार जो है मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो जॉय बिडेन ही बनने वाले हैं। जो मेरे को जो ऐसा लगता है मतलब कि ये दोनों ही है जो कि नेक्स्ट वीपी और प्रेसिडेंट है जो कि अगले वाले इलेक्शन के अंदर, नवंबर के अंदर इलेक्शन यहाँ पे, तो वो बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ यार। ठीक है, शालिनी, ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यार, है ना। जब ये मुद्दा आया था तो मैंने ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। अभी वापस से उसका मुद्दा आएगा तो मैं वापस डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल यार, एक ही बात है, घर की बात है, मैं कर दूंगा डिस्कस, है ना। कई बार मैं मल्टीपल, देखो क्या होता है, करंट अफेयर रेगुलर रखोगे ना तो अच्छी बात होती है कि चीजें रिपीट होती है। हम लोग हर चीज को पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बारे में देखते हुए चलते हैं, समझ गए। तो क्या होता है कि चीजें वापस रिपीट होती है, वापस रिविजन होता है, तो लोड मतलब वापस से डिस्कस कर लेंगे, बस आप रेगुलर रहो। चलिए, यहाँ पे मेगा लैब्स को दोस्तों बनाने के लिए बोला गया है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अपने अभी रिसेंटली यहाँ पे जो अभी अपन काम में ले रहे हैं ना टेक्नोलॉजी, जो अपन कोविड-19 टेस्टिंग के लिए वो आरटीपीसीआर ले रहे हैं, मालूम है ना। आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कई जगह पे दोस्तों ये जो टेस्ट है ये फेल हो गया है, मल्टीपल टाइम जो है वो टेस्टिंग करनी पड़ रही है पता करने के लिए। अब इसी का अल्टरनेटिव है दोस्तों जो कि लेके आया गया है मेगा लैब्स। तो सीएसआर दोस्तों इसके ऊपर वर्क कर रही है कि मेगा लैब्स को बनाया जाएगा ताकि टेस्टिंग जो है हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सके। कुल मिला के यहाँ पे इम्प्रूव करना है हमें एक्यूरेसी रेट, और टेस्टिंग को भी हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, समझ गए मेरी बात। तो ये रिपर्पज लार्ज मशीन जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन है ना, तो ये इसको वापस से क्या करेगी, वापस रिपर्पज, इसको वापस से यूज करने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है, स्कैन किया जाता है आपका एंटायर वायरस जीनोम। वायरस जीनोम क्या होता है कि आपका जो पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो इसी के अंदर होती है। वायरस जीनोम का मतलब होता है डीएनए आरएनए आपका कुल मिला के, समझ गए मेरी बात। तो उसको एंटायरली स्टडी करता है ये, ठीक है, उसको एंटायर, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, लैपटॉप बंद होने वाला है। हाँ, तो एंटायरली क्या करता है, इसको स्टडी करता है। तो 1500 से 3000 जो वायरल जीनोम है ना उनको ये स्टडी करेगा और डिटेक्ट करेगा कोविड-19 वायरस। ओके गाइस, तो ये इसकी यूटिलिटी है कि एक तो एंटायर जो है जीनोम को स्टडी करेगा, और दूसरा एक्यूरेसी रेट है जो कि ज्यादा बेहतर देगा। इस चीज के लिए दोस्तों इसको सेटअप है जो कि किया जा रहा है। ठीक है गाइस, इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो कल आपने देखे होंगे, कल हमारे देश में 67,000 के आसपास केसेस है जो कि देखने को मिले, और डेथ रेट जो है उसके अंदर हमने यूके को भी पीछे कर दिया है, और दुनिया में फोर्थ पोजीशन के ऊपर चले गए हम लोग डेथ के अंदर। डेथ रेट नहीं बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ डेथ के अंदर। तो कल टोटल मिला के हमारे यहाँ पे दोस्तों 47,000 लोगों की मृत्यु है जो कि अभी कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। यूके के अंदर 46,000 लोगों की हुई है, तो दुनिया में फोर्थ नंबर पे आ चुके हैं हम लोग दोस्तों। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, इसलिए बोला जा रहा है। कल भी नियर बाय 950 लोगों की मृत्यु हुई है। ओके चलिए, इसके अलावा ओके ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे जो पार्टनरशिप करी गई है वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। गाइस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है ना, अपने जो भी व्हाट्सएप है आपका, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, उन सबको एक बार शेयर भी कर देना गाइस, ताकि और भी बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सके, है ना। चलिए, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि CSIR के साथ में पार्टनरशिप कौन कर रहा है, यूएसए बेस्ड एक दोस्तों कंपनी है, इसका नाम है इल्यूमिना। ये दोस्तों ये मशीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी फेमस है। ओके, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 4 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग है जो कि बताई जा रही है, और करेंटली 4 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग इंडिया के अंदर पड़ रही है, तो इसको कॉस्टिंग को भी कम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके गाइज, चलिए ठीक है, बाकी तो कुछ ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके और हमने अभी तक कितने टेस्टिंग करे, 24 मिलियन टेस्ट है जो कि अभी तक हमने दोस्तों करवा दिया है। 24 मिलियन का मतलब होता है 2.4 करोड़ है दोस्तों जो कि हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी है। 2.4 में से कितने 2 मिलियन हो चुके हैं ना, कोई 21 लाख के आसपास लोग हैं जो कि पॉजिटिव आए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमने 2.5 करोड़ टेस्ट में 21 लाख आए, अगर यही अगर हमने 25 करोड़ टेस्ट कर दिए तो सीधे सीधे बढ़ के 2 करोड़ लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पे COVID-19 के पेशेंट है जो कि देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइज, अभी प्रेजेंटली जो है 17 हजार टेस्ट पर मिलियन के अकॉर्डिंगली है जो कि यहाँ पे हो रहे हैं। ओके गाइज, और 7.5 लाख टेस्ट है जो कि पर डे है जो कि हम लोग करा रहे हैं, ICMR करवा रहा है, तो इसको और भी स्केल करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो कि है पेज नंबर 2, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये वाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, और एक और, हाँ ये वाली जहां पे बात करी गई है इंटरनेशनल एलिफेंट डे को लेकर। इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब मनाया जाता है भाई, आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि कल 12 अगस्त को इंटरनेशनल एलिफेंट डे है, वर्ल्ड एलिफेंट डे है जो कि मनाया गया। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, हर साल इसको मनाया जाता है। और ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन है, एक फिल्म मेकर थे पेट्रिया का, उनके द्वारा दोस्तों इसको इनिशिएट किया गया और 2012 के अंदर इसको लॉन्च है जो कि किया गया। हमारे यहाँ पे दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी इंडिया में लॉन्च किया था कैंपेन, है ना, कई सारे जू के अंदर इनिशिएटिव चलाए गए एलिफेंट को बचाने को लेकर। हाथी हमारा साथी नाम से कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया। इसके अलावा एलिफेंट को दोस्तों किल करने के रोकने के लिए माइक नाम का प्रोग्राम है जो कि चलाया गया था, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल। ये किसके द्वारा, साइट्स के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था 1997 के अंदर। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन होता है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। रेजोल्यूशन 1010 अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर 1997 के अंदर, जिसमें 28 साइट है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। 13 कंट्रीज के अंदर 28 साइट थी जहां पे ज्यादा किलिंग होती है वहां पे रोकने के लिए, जिसमें से 10 तो हमारी साइट थी इसके अंदर, उसके अलावा 2 कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाकी देशों के अंदर थी, समझ रहे हो। तो 13 कंट्रीज में से 28 साइट में से 10 साइट हमारी थी जहां पे किलिंग हो रही है। एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा गाइस, कभी भी जब लोग आप लोग आप फ्यूचर के अंदर जब आप लोग अपना करियर सेट कर लेंगे, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे और भी, है ना, मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। ओके, कई सारे लोग पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, हाँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाओगे। तो गाइज कभी भी जो है ना, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट मत करना जो कि किसी भी एनिमल से बना हुआ हो। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि जो एलिफेंट है ना, उसके टस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, आपके ताबीज, एम्बुलेट बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है जो कि लोगों का बहुत ही प्राइम इंटरेस्ट होता है। मुझे मालूम है आप लोग कभी भी सोचते नहीं होंगे आप लोगों के लेदर प्रोडक्ट खरीदने से पहले, कि लेदर प्रोडक्ट भी दोस्तों आपको मालूम है किसी एनिमल की किलिंग के बाद ही बन रहे हैं। तो हमेशा बाइकआउट करने की कोशिश क्या करो, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि किसी भी चीज से बन रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मुझे भी लेदर जैकेट बहुत पसंद हुआ करती थी, बाकी सब चीजें, लेकिन मैंने भी पहनना बंद कर दिया पिछले कुछ सालों से। ओके गाइस, मैंने जो जो मेरा पर्स जो लिया था वो 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने पर्स लिया था, एक लेदर पर्स, वो मैंने आज तक अभी तक उसको चेंज नहीं किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि कभी भी लाइफ में ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा जो कि किसी भी एनिमल की स्किन से बन रहे हैं। जब तक डिमांड कम नहीं होगी, जब तक सप्लाई कम नहीं होगी। हम लोग डिमांड पैदा करते हैं इसीलिए इनकी किलिंग होती है, समझ गए मेरी बात। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट यूज मत किया करो, कोई भी अगर आपको लगता है कि खरीदना है तो पहले देखा करो कि वो किस चीज से बना हुआ है। इसके लिए कोई ज्यादा मैथमेटिक्स या साइंस की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। कुछ भी खरीद रहे हो तो आप एक बार पूछ सकते हो किस चीज से बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। फैक्ट्स अबाउट द अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो WWF के अकॉर्डिंगली अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में पेपर में पूछते हैं गाइस कि कहाँ पर मिलते हैं, क्या साइंटिफिक नेम है। तो 4 लाख के आसपास पूरी दुनिया के अंदर बचे हैं, और लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना दोस्तों इनका साइंटिफिक नेम है। 11 फिट हाइट तक तो इनकी होती है दोस्तों। ठीक है गाइज,
ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि पेज नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सोशल इनिशिएटिव है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एथिक्स की एक बहुत ही एक सोशल स्कीम है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, देखिए 2015 के अंदर है ना, एक अमेरिकन थे, इनका नाम था रेड हार्ड। देखिएगा कितना बड़ा चेंज है, सोशल चेंज देखिए। ओके, रेनहार्ड ने क्या किया, जितने भी दुनिया में स्केटबोर्ड करते हैं ना लोग, स्केटबोर्ड मालूम है ना आपको, स्केटबोर्ड क्या होते हैं, ये वाले स्केटबोर्ड, तो दुनिया में जितने लोग हैं उनको बोला कि आप अपने पुराने स्केटबोर्ड बेचो और हम लोग पैसा इकट्ठा करके क्या करते हैं, स्केटबोर्डिंग को बढ़ावा देते हैं। तो नियर बाय $17,000 है जो कि दुनिया में इकट्ठे हुए। इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक पार्क है जो कि बनाया कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर, समझ रहे हो, एक पार्क बनाया। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, कुछ और बन रहा है, लेकिन जैसे ही शेप बना पार्क का, लोगों को काफी खुशी मिली। काफी सारे ट्राइबल विलेज के बच्चे हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे आने लग गए स्केट। अब जो इनको, आपको मालूम है, हेलमेट भी चाहिए होता है, स्केटबोर्ड भी चाहिए होता है, जूते चाहिए होते हैं, तो वो लोगों ने फंड रेज किया और लोगों ने इनको अवेलेबल करवा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 60 स्कूल के बच्चे हैं जो कि अभी वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर यहाँ पे स्केटिंग है जो कि सीख रहे हैं। ओके, और कोई सिखाने वाला भी नहीं है, अपने YouTube के वीडियो से जो है ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाइना के अंदर, वर्ल्ड स्केटबोर्ड चैंपियनशिप के अंदर। ये सारे बच्चे कौन से हैं, रूरल एरियाज के बच्चे हैं, मतलब ग्रामीण भारत के बच्चे हैं जहाँ पे कोई बड़ी फैसिलिटीज नहीं है, आप देख सकते हैं। ओके, और बड़ी बात पता क्या है कि यहाँ पे जो कैंपेन लॉन्च किया गया, वो किया गया है नो स्कूल नो स्केटबोर्डिंग, यानी कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपको स्केटबोर्डिंग भी करने को नहीं मिलेगी। एवरीवन इज इक्वल, और एंड गर्ल फर्स्ट, तो गर्ल्स को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। सबसे पहले आपकी स्कूल की अटेंडेंस देखी जा रही है, अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है स्कूल के अंदर तो ही आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, यानी कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सुबह 7 से सुबह 9 और रात के टाइम पे जो है स्केटबोर्डिंग अवेलाउ होती है। 20 से 25 लड़कियां हैं जो कि एवरीडे यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। शुरुआत में पेरेंट्स ने भी काफी प्रोटेस्ट किया, काफी आसपास के लोगों ने मना किया कि क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हैं, लेकिन आज जब इन बच्चों ने मेडल जीतना चालू किया तो यही लोग हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं, समझ रहे हो। और ऐसे इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, 3 जगह पे और जगह पे ऐसे पार्क है जो कि फंड रेज करके बनाए गए हैं, और इन परिवारों को पॉवर्टी से निकालने के अंदर बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, उससे भी इनको इनकम हो रही है और पेरेंट्स को भी फायदा मिल रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब कितने सही इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है गाइस। तो एक्चुअली के अंदर ऐसे इनिशिएटिव को भी प्रमोट करना जरूरी होता है क्योंकि मीडिया तो कभी दिखाती नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 दोस्तों। पेज नंबर 5 की बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक की न्यूज है, ठीक है गाइस, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने साइंटिस्ट है भोपाल के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिनको अपन IISER कहते हैं, कहाँ पर है ये, आपके भोपाल के अंदर है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपने कुछ साइंटिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यदु है, सौरभ है, इन्होंने एक रिसर्च करी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कोई भी बीज प्लांट बनता है तो इसके बीच में दोस्तों एक हार्मोन होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको अपन एबीए बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं, एबीए हार्मोन, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए एबीए हार्मोन, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, ये एबीए हार्मोन जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये एक हार्मोन है दोस्तों जो कि क्या करता है, रोकता है किसी भी सीड को प्लांट में डेवलप होने से, क्या करता है, इनहेबिट करता है। इनहेबिट का मतलब होता है उसको रुकावट है जो कि पैदा करता है, दो कारण की वजह से करता है, एक तो उसको आगे नहीं बढ़ने देता, स्प्राउटिंग ऑफ द सीड जिसको अपन कहते हैं, और एक ये इन्वायरमेंट फैक्टर को देखकर दोस्तों क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अब ये रोकने वाला जो एबीए हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, प्लांट को रोक रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि प्लांट जो है वो डेवलप हो जाए। तो इसके मैकेनिज्म के ऊपर दोस्तों स्टडी है जो कि इन साइंटिस्ट ने करी है, कि ये जो हार्मोन है ना, ये क्यों रोकता है, किस कंडीशन में रोकता है, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो बेटर हो सके। तो दोस्तों हमारे जो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि जब इसकी स्टडी बढ़ जाएगी ना, इस हार्मोन की स्टडी हम लोग कर लेंगे, इसके बारे में पता कर लेंगे सब कुछ, तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो भी क्रॉप्स है ना, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं, हम ये जो हार्मोन है उसके बारे में स्टडी करके उसको एक अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं हमारे प्लांट्स को। तो ये बहुत जबरदस्त स्टडी करी गई है,
इसके बारे में दोस्तों 80 साल से पता है वैसे दुनिया को, 80 साल पहले इसके हार्मोन के बारे में स्टडी हो गई थी, लेकिन इसके मैकेनिज्म के बारे में दोस्तों स्टडी अभी तक नहीं हो पाई थी। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी करी है, समझ गए मेरी बात। जितने भी प्लांट ग्रोथ करते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर करते हैं, समझ रहे हो। जब भी वो जर्मिनेट करते हैं, स्प्राउटिंग के अंदर आते हैं, तो पहले वो अपना एनवायरनमेंट देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, उसके बाद में वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि इंसान के अंदर स्ट्रेस होता है ना, वैसे प्लांट के अंदर भी स्ट्रेस होता है, पता है क्या आपको। तो वो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में रोकने का जो काम होता है वो इस हार्मोन के द्वारा होता है, समझ गए मेरी बात। ठीक है गाइस, तो यही रिसर्च है जो कि करी गई है, और अमेरिका के जो जर्नल्स हैं वहां पे पब्लिकेशन है, प्लांट जर्नल और प्लांट साइकोलॉजी के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस है, जो कि वहां पे किया गया है। ओके गाइस, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको मास्टर रेगुलेटर बोलते हैं मतलब। चलिए ठीक है गाइस, सीड की ग्रोथ के लिए दोस्तों मास्टर रेगुलेटर, ये देखिए जर्मिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है आपका प्लांट का, दिख रहा है आपको, कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, हम चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ना, ये पूरा का पूरा ये बहुत ही इजीली और बहुत ही बेहतर तरीके से हो, बहुत ही प्रोडक्टिव हो ये। अब इसके अंदर बीच में कुछ भी हिंड्रेंस जो है ना, रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए, और उस रुकावट होती है तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, और वही स्टडी जो है इन साइंटिस्ट ने करी है। यहाँ देख सकते हो आप, सीड जर्मिनेशन क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल प्रोसेस होता है जिसमें बीज से प्लांट बनता है। ओके गाइज, और प्रोसेस के अंदर जो है हम चाहते हैं कि हाई यील्ड हो, क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो। ओके गाइज, ये देखिए सबसे पहले एम्बिबेशन होता है। एम्बिबेशन का मतलब होता है जब वाटर किसी भी बीज के अंदर जो है ना भर जाता है, फिर क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। ओके, फिर इसकी रूट बनती है, फिर शूट बनता है, और सन की तरफ जो है वो ग्रोथ करता है, ताकि उसके बाद में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके। फोटोसिंथेसिस के अलावा जो प्रोसेस होते हैं ना, एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस है जो कि हम इसको कहते हैं। लीव जो ग्रो करती है आपको मालूम है टुवर्ड्स द सन है, जो कि करती है। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जर्मिनेशन प्रोसेस जो होता है इसको कई चीजें अफेक्ट भी करती है, जैसे कि आपके वाटर है ना, आपका टेम्परेचर, आपके ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीजें क्या करती है, इफेक्ट करती है, तो पेपर में सवाल बनता है इसका। ओके गाइस, नेक्स्ट है दोस्तों जो कि इंटरनल फैक्टर में सीड डोरमेंसी। यहाँ पर कई बार क्या होता है, सीड जो है ना वो बिल्कुल कंडीशन की वजह से बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मतलब डेवलप हो ही नहीं पाता, तो उसको हम लोग सीड डोरमेंसी कहते हैं। तो ये इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपके सीड जर्मिनेशन के बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, पेपर में पूछेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7। दोस्तों पेज नंबर 7 की बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरीके से जो हमारे लेबर लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च करी, उनके ऊपर सॉरी सर्वे किया गया था, और सर्वे के अंदर बताया गया कि कितनी प्रॉब्लम है जो कि उनको कोविड-19 में झेलने को मिली। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये जो आपके सर्वेज होते हैं ये मैं क्यों आपसे डिस्कस करता हूँ, ताकि आप समझे, आप प्रॉब्लम को समझे कि आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, कितनी प्रॉब्लम है जो कि हमारी लेबर क्लास को झेलने को मिली है अभी, है ना। यहाँ पे देखो 96 माइग्रेंट जो है ना इंटरव्यू किया गया उनका। ओके, और यहाँ पे देखिए बताया गया कि 4 में से हर एक माइग्रेंट को या तो वो वॉक करके अपने घर पहुंचा है, या वो साइकिल से पहुंचा है, समझ रहे हो, या फिर जो है वो हाथ से जो हैंड पुल्ड रिक्शा होते हैं ना, जो हाथों से रिक्शा खींचते हैं, उसके माध्यम से अपने घर पहुंचा है। 4 करोड़ हमारे ऐसे दोस्तों माइग्रेंट लोग थे जिनको पैदल जो है चलना पड़ा अपने घर पहुंचने के लिए, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पूरे दिन 1 मील के ऊपर है जो कि उन्होंने गुजारा किया है पैदल चलते टाइम। ये दोस्तों पूरा स्टडी के अंदर बताया गया, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी किया गया है प्रशांत भूषण के द्वारा, मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर, कि गवर्नमेंट के किस मिसमैनेजमेंट की वजह से इतने करोड़ों लोगों की नौकरी चले गई, साथ में करोड़ों लोग जो है पैदल अपने घर पहुंचे हैं। 4 मात्र 4 घंटे के अंदर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया, ट्रैवलिंग के लिए बसेस ट्रेनों का कोई जुगाड़ नहीं किया गया इनिशियल स्टेज के ऊपर। ओके, नौकरियों के लिए जो है इनिशियली जो है वो कोई पैसों को लेकर कुछ जुगाड़ किया नहीं गया, तो मिसमैनेजमेंट ऑफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आज इसके ऊपर फैसला कुछ डिस्कशन भी होने वाला है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए 25% लोग हैं जो कि साइकिल के ऊपर गए है ना, और मात्र 6% लोग ऐसे हैं, 51% लोग ऐसे हैं जो कि किसी मोटराइज ट्रांसपोर्ट से पहुंचे हैं, व्हीकल के ऊपर जो है पहुंचने वाले 6% लोग हैं। तो ये पूरा सर्वे बताया गया है
कि किस तरीके से मुश्किलें आई है मतलब। तो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जाम लेट हो रहा है या आपका एग्जाम अभी नहीं हो पा रहा है, तो गाइज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हताश मत होए, निराश मत होए। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं, देश के अंदर बहुत सारी बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रॉब्लम है गाइज। अभी रिसेंटली एक बच्चा है जो कि मैं आपको बताता हूँ, एक अपने आरपीएफ के एग्जाम जो है, एक बच्चे ने, आपको मालूम है ना अभी कुछ टाइम पहले आरपीएफ का रिजल्ट आया था, जिसके अंदर क्या हो गया था, रिजल्ट के अंदर जो है वो सही तरीके से नहीं दिया गया। तो एक अपना स्टूडेंट था दोस्तों अक्षय करके, है ना, तो उसने सुसाइड कर लिया था। मात्र 21 साल का बच्चा था, घर वालों का बहुत ज्यादा उनको एक अच्छी कंडीशन में लेके जाने वाला था। तो मेरे पास इसके जो फ्रेंड है एक मानव करके, उसका भी मैसेज आया था। तो गाइस देखियो, मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि हताश निराश मत होइएगा, है ना। इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, मुझे मालूम है आपकी लाइफ के अंदर, अभी तो शुरुआत हुई यार, लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आप नॉलेज के ऊपर फोकस करें, आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेंगे 101%। आप सीखो यार, आप पढ़ो सीखो, समझ गए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए वायलेंस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वायलेंस प्लान थी, ये बैंगलोर पुलिस ने बोला है। और यहाँ पे देखिए टेम्पल के बारे में बताया गया था कि मुस्लिम यूथ ने स्टैंड गार्ड एट द लोकल टेम्पल। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की न्यूज को लेकर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने, जो जगमोहन रेड्डी जी है, उन्होंने नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है वाईएसआर चेयूथा। ओके गाइस, इस स्कीम के तहत जो है 45 से 60 साल की जो महिला है ना, उनको ईयरली हेल्प मिलेगी कितने की, 75,000 रुपीज की। ओके गाइस, और ऐसे 23 लाख महिलाओं को हेल्प है जो कि इसके द्वारा मिलने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम के अंदर 23 लाख वुमेन को, ST, BC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उन महिलाओं को मिलने वाली 45 से 60 साल की एज वाले। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब बेनिफिशियरी 75,000 रुपए मिलेंगे, 18,000 रुपए जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं पर इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब 4 साल में मिलेंगे, सॉरी 1 साल में नहीं है, ये 4 साल के अंदर है, 4th ईयर के अंदर है। और 18,750 जो है ये ईयरली है, 4 साल के अंदर जो है 75,000 रुपए है जो कि मिलेंगे। ओके गाइज, ये देखिए 17,000 करोड़ रुपए जो है स्कीम के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। बिजनेस यूनिट जो है वो सेटअप कर सकती है, मार्केटिकल टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ले सकती है। चलिए पेपर में पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 दोस्तों। यहाँ पे एक और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके अलावा यही वाली है जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए गाइस, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इतना दूर दूर जो है वो किस तरीके से मुश्किलों में पढ़ रहे हैं। तो आप भी दोस्तों अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है दोस्तों, यह देखिए आपको मालूम है ना अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है जो कि लॉन्च करी गई, जिसका नाम था पीएम ठीक है पीएम स्वनिधि योजना। याद है इस योजना के बारे में, पेपर में सवाल पूछेंगे। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है ना, यूनियन हाउसिंग, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल बनेगा यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा जो है ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। गाइस, जिसके अंदर अभी रिसेंटली बोला गया कि भाई 5 लाख एप्लीकेशन आई है, 1 लाख लोगों को हमने अप्रूवल भी दे दिया है। तो ये यहाँ पे जानकारी दी गई है, आपको मालूम है इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के तहत ये किया गया था, जिसमें 10,000 रुपए का दोस्तों लोन है जो कि स्ट्रीट वेंडर को दिया जा रहा है, जो कि आपके रेडी वाले लोग होते हैं ना, जो रेडी वेडी चलाते हैं स्ट्रीट के ऊपर, ये देखिए इस तरीके के, तो इनको 10,000 रुपए का पैकेज है जो कि दिया जा रहा है। गाइज, और बोला जा रहा है कि 50 लाख लोगों को हम लोग बेनिफिट पहुंचाएंगे। अभी पैसा मिला है नहीं मिला है वो तो पता नहीं, बाकी मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया कि 5 लाख एप्लीकेशन है जो कि आ गई है और उसमें से 1 लाख को अप्रूवल है जो कि दे दिया है, ये इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है गाइस, पेपर में सवाल बनेगा इससे, कौन सी मंत्रालय के द्वारा कितने पैसों की हेल्प है जो कि करी जा रही है 10,000 रुपए की, है ना, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको किया गया है। ओके गाइस, किसको मिल रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स को ये लोन है जो कि मिल रहा है, जो भी है ना आपके ठेले वाले होते हैं, है ना, रेडी वाले, इन सबको मिल रहा है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, उसी प्रकार से नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, याद है ना अपने विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे।
ओके तो इंटरनेशनल यूथ डे दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है और 1999 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दोस्तों वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ ओके उसके अंदर इसका रिकमेंडेशन किया गया था और उसके बाद में इसको स्टार्ट किया गया। थीम रखी गई है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इंपॉर्टेंट है 2020 की है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस नेक्स्ट है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने डेवलप किया है 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ओके गाइस ठीक है चलिए साथ में वीडियो को शेयर कर देना गाइस, यार ये इतना सा काम तो कर लिया करो यार, फ्री में इतना बढ़िया पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो मंडे टू सैटरडे, कभी छुट्टी नहीं होती कभी कुछ नहीं होता, अरे भाई कम से कम इतना तो कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने घर पे अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ताकि सभी लोग अपना इन्फॉर्मेशन ले सकें, डेली एक रेलिवेंट सोर्स से अच्छी तरीके से देश दुनिया के बारे में जान सकें और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी पढ़ सकें। ठीक है तो देखिए हमारे यहाँ पे दोस्तों जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है ना उसने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है जो कि लॉन्च किया है, तो ये किस लिए लॉन्च किया, ताकि ऐसे लोग दोस्तों जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है हमारे देश के फ्रीडम के अंदर, ट्राइबल लोग हैं जिनके बारे में दुनिया को देश को पता नहीं है उनके बारे में बताने को लेकर। ओके गाइस तो 9 सेंक्शन म्यूजियम है जिसमें से 2 जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं और बाकी जो है वो लास्ट स्टेज के अंदर है, 2022 तक दोस्तों ये लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो मोदी जी ने एक लॉन्च किया था इसको ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, 15 अगस्त 2016 की इंडिपेंडेंस डे स्पीच के अंदर बोला गया था, 2016 से 2020 आ चुका है अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी 3D 7D है ना प्रोजेक्शन के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है। ओके गाइस आगे बात करते हैं 2 जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4G ट्रायल जो है स्टार्ट करी जाएगी आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, पहले एक के लिए बोला गया था कल जो न्यूज आई है उसके अंदर 2 के लिए बोला गया है। ओके रिसेंटली स्पेशल कमिटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और रिकमेंड किया गया था कि भाई 4G सर्विसेज जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट करो, आपको मालूम है पूरा एक साल निकल चुका है और इंटरनेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कमिटी ने बोला था दोस्तों कि अभी भी जो है यहाँ पे थ्रेट है सिक्योरिटी को लेकर इसलिए इसको कंटिन्यू रखने को लेकर, और यहाँ पे बोला है कि 15 अगस्त के बाद में 4G रिस्टोरेशन को लेकर हम धीरे धीरे काम करेंगे। आपको मालूम है दोस्तों सोशल मीडिया का कितना ज्यादा मिसयूज है जो कि आज के टाइम पे होता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम हो गए या जो भी हो गए आपके फेसबुक हो गए, अभी बेंगलुरु वायलेंस देखो, बेंगलुरु वायलेंस में 30 मिनट 1 घंटे के अंदर इतने लोग जमा हो गए उस कांग्रेस के एमएलए के घर के बाहर, उसको उठा के ले जाते सारे के सारे, मतलब वो तो पुलिस सही टाइम पे पहुंच गई। तो मतलब आप देखो ये चीज इतनी जल्दी कैसे पहुंची, सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंची होगी, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है कि हम लोग सोशल मीडिया को कितने गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। यार दुनिया में इसको लाया गया था कि कल्चर एक्सचेंज जो लोगों लोग आपस में डिस्कशन कर सके बात कर सके है ना, लेकिन कितनी गलत तरीके से चीजें जा रही है, मतलब कितनी जल्दी जल्दी लोग फेक चीजों को प्रमोट करते हैं वायरल करते हैं। ओके कल ही मैंने डेमोक्रेसी पढ़ाया था आपको याद है क्या, कितने बच्चों ने देखा था कल डेमोक्रेसी लेक्चर मेरा, कल डेमोक्रेसी के मैंने एक लेक्चर दिया था यूपीएससी जो आपका यूपीएससी सीएससी में जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना उसके अंदर, तो मैंने डेमोक्रेसी के प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, डेमोक्रेसी आपको समझाई थी, आपका जो एनसीईआरटी का जो क्लास 9th है ना क्लास 9th के अंदर फर्स्ट चैप्टर यही वाला है डेमोक्रेसी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या, तो उसको लेकर मैंने कंप्लीट डिटेल समझाई थी इसके अंदर, आपने देखा होगा उस वीडियो को, नहीं देखा तो देखिएगा, पूरी 1 घंटे के अंदर आपका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपका जो लेवल है ना वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा 1 लेक्चर के अंदर। ठीक है तो डेमोक्रेसी वाला लेक्चर है देखिएगा एक बार जाके, चलिए ठीक है गाइस तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और अभी देखो क्या हो जाएगा कि 4G जरूरी क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए 4G जरूरी है, ई कॉमर्स बंद पड़ा है, ट्रैवलिंग बुकिंग हो गए, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न है ना, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे शटडाउन पड़ी है क्योंकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं स्कूल के कॉलेजेस के, अपने बहुत सारे बच्चे हैं वाईफाई स्टडी के, ओके वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए जरूरी बोला था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है ना तो इसके लिए बोला था रिस्टोर करने के लिए। आगे बात करते हैं डेल टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है सेकंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत, तो आपको मालूम है अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल के अंदर जो है वो लैब्स बनाई गई थी है ना, कोलैबोरेशन किया गया है अभी रिसेंटली डेल टेक्नोलॉजी के साथ में, और सेकंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया जा रहा है। ओके गाइस इससे क्या होगा कि इनोवेटिव वर्क जो है वो बच्चे सामने लाए, डेल के वॉलंटियर्स के साथ में काम करें, उनको मेंटोरशिप मिले, टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये सब दोस्तों उनको मदद मिले, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ओके एम क्या है दोस्तों, स्कूल के अंदर जो है 1 मिलियन चिल्ड्रन जो है ना वो मॉडर्न इनोवेटर्स बने,
यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कि पूरी तरीके से डिस्टर्प्टेड है, हम लोग दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से सालों मतलब बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। मतलब इंडस वैली के टाइम की है, तक्षशिला नालंदा वाले इंस्टीट्यूट जो कि दुनिया में सबसे आगे थे, आज हम लोग दोस्तों बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के अंदर जो है इनोवेशन जो है ना क्रिएटिविटी को इम्प्लांट नहीं कर पा रहे हैं। क्यूरियस माइंड आर द जीनियस माइंड, तो वो क्यूरियस माइंड ही पैदा नहीं हो पा रहे हैं। ओके, बहुत थ्योरेटिकल स्टडीज की वजह से तो ये यहाँ पे दोस्तों किया जा रहा है। ओके गाइस, इसके अंदर दोस्तों 20 लाख रुपए की मदद है जो कि स्कूल को दी जाएगी वन टाइम एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। किसके लिए? ताकि लेबोरेटरीज और ये सब बना सके। ओके चलिए, और स्टेम के अंदर, स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ, इस फील्ड के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्लॉज 6 ऑफ द आसाम अकॉर्ड, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो देखो बात ऐसी है कि भाई 1985 के टाइम पे क्या हुआ था। ओके, गवर्नमेंट ने एक आसाम अकॉर्ड है जो कि किया था, तो उसका 6 क्लॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको पब्लिक डोमेन में अभी ओपन किया गया है। ओके गाइस, तो फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट करी थी कमिटी जिसने रिकमेंडेशन दी थी क्लॉज 6 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आसाम अकॉर्ड के। ओके गाइस, जिसके लेकर काफी सालों से जो है वो विवाद चल रहा था और उसको लेकर काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ था। तो पब्लिक रिपोर्ट करी गई है, कमिटी 2019 में सेटअप करी गई थी, जिसको हाईकोर्ट के जस्टिस बिप्लव कुमार शर्मा उन्होंने इसको हेड किया था, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस। ओके, तो इसमें आसामी पीपल के राइट्स हो गए, उनके मेजर्स हो गए, उसको लेकर दोस्तों डिफाइन किया गया था। ओके, जिसके अंदर आपको मालूम है कि काफी सारी बांग्लादेश मूवमेंट चला था अगेंस्ट द इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। आपको मालूम है 1971 के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जो कि इंडिया में आ गए थे, और उसी वजह से इंदिरा गांधी जी को भी स्टेप लेना पड़ा था वॉर का। तो हम लोग भी कितने ज्यादा इमिग्रेशन इंडिया के अंदर हो गया था। तो आसाम मूवमेंट चला था कि आसाम के लोगों के राइट्स को लेकर, तो 85 के अंदर दिल्ली के अंदर ये समझौता है जो कि किया गया था, जिसके अंदर क्लॉज 6 एड ऑन किया गया था। इसके अंदर बोला गया था कि आसामी कम्युनिटी जो है वो रिसाइड करेगी टेरिटरी ऑफ आसाम के अंदर, 1951 है ना से पहले वाले वो माने जाएंगे इंडिजिनियस ट्राइबल जो कम्युनिटी आसाम की। ओके, उसको लेकर तो यहाँ पे डिस्कशन किया गया था कि कौन लोग हैं, क्या उनको राइट्स मिलेंगे, क्या उनको फायदे हैं जो कि मिलेंगे, ये सब चीजें हैं जो कि इसके अंदर डिस्कस करी गई थी। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए रिसेंटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको एक मेंटोर है दोस्तों जो कि मिलेगा, और ये आपको पूरी प्रिपरेशन के अंदर दोस्तों आपको गाइड करेगा आपके मेंस के अंदर, प्री के अंदर। ये जो मेंटोर बंदा होगा ये खुद वो बंदा है जिसने कई बार मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू है जो कि दिए हैं। 56,000 रुपीज का दोस्तों ये 1 साल का कोर्स है। मेरे प्लस सब्सक्रिप्शन जो है यूपीएससी में जो है वो भी आपको मिल जाएगी, और मेरे अलावा इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं दोस्तों जो कि यूपीएससी के अंदर आपको सारी क्लासेस है जो कि अवेलेबल करवाएंगे। तो आपको रेफरल कोड जो है वो यूपीएससी में यूज करना पड़ेगा भुनेश10, और आपको 10% ऑफ और सारी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है गाइस, इसके अलावा यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी जो है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सुबह 10 बजे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है गाइस, ज्वाइन करके, और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिएगा जरूर एक बार, बहुत जबरदस्त है, मेंटोर आपको इसमें गाइड मिलेगा, बहुत फायदेमंद है। आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अगला सवाल है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आसान संपर्क रहित भुगतान के लिए भारत का पहला एंड्रॉइड पीओएस डिजाइन है जो कि लॉन्च किया है? पीएम स्वनिधि को लागू करने के लिए तकनीकी भागीदार कौन है? असम समझौते के खंड 6 पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर करे गए थे। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। वापस मिलते हैं 10 बजे वाले अनअकैडमी के स्पेशल सेशन के अंदर जो कि आपके लिए फ्री है, यूपीएससी वाली क्लास के अंदर, और आज मैं आपको साइंस जो है पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं वापस से, थैंक यू एवरीवन।